तो ठीक है बच्चों, एक पेपर निकालो और ड्राइंग के लिए रंग और पेंसिल भी। आज तुम सब अपने मनपसंद जानवर बनाओगे। जब तुम्हारी ड्राइंग खत्म हो जाए तो अपना हाथ उठा देना और उसे क्लास के सभी बच्चों को दिखाओगे, ठीक है? क्रिस, तुम जानते हो ना कि आज ड्राइंग में अपना मनपसंद जानवर बनाना है। किसी पागल जानवर की तस्वीर बनाने में मेरी कोई रुचि नहीं है मिस कैरल, ये बहुत ही बोरिंग काम है। लेकिन तुम्हें पता है ना कि सभी बच्चे बाद में अपनी अपनी ड्राइंग पूरी क्लास के सामने दिखाएंगे। मुझे क्लास के सामने नहीं जाना। क्या तुम्हें यकीन है क्रिस, क्या तुम क्लास के सामने अपना मनपसंद जानवर नहीं दिखाना चाहते? नहीं, मैं नहीं दिखाना चाहता। तो ठीक है क्रिस, अगर तुम यही चाहते हो तो, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी क्लास के बच्चों की ड्राइंग पर ध्यान दोगे, ओके? क्रिस, ब्रेक का टाइम हो गया है, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं जाओगे? नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ मिस कैरल, दरअसल कोई मेरा दोस्त नहीं है। वेल, शायद अगर तुम थोड़ी देर के लिए ड्राइंग करना बंद कर दो तो तुम्हें कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जिसकी सेम हॉबी हो। अब आप भी मुझे ड्राइंग करने से रोकना चाहती है मिस कैरल, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पेरेंट्स करते हैं। नहीं क्रिस, मैं मेरा मतलब है कि तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद ड्राइंग कर सकते हो। मुझे ये बच्चा आज तक समझ में नहीं आया। क्या हुआ कैरल? कुछ नहीं, मैं तो उस नए बच्चे क्रिस के बारे में सोच रही थी, वो क्लास में अजीब से साइन बना रहा था आज। अरे बाप रे, ये तो बहुत डरावना है, यहाँ तक कि वो अपने क्लास के बच्चों के साथ खेलता भी नहीं। तुम्हें और बताऊं, मैंने कुछ बच्चों के पेरेंट्स को बात करते हुए सुना कि इसका परिवार काला जादू करता है घर पे। ये तो बहुत ही बुरी बात है। मैं समझ सकती हूँ कि ये बच्चा अलग है, लेकिन उन्हें इसके परिवार के बारे में इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये घर पे परेशान होता है? मैं नहीं जानती, मैंने आज तक उसके शरीर पर कोई निशान या चोट नहीं देखी। देखो, ये सब सिर्फ एक अफवाह है, ओके? मैं नहीं चाहती कि किसी बच्चे के साथ कोई अलग तरह का बर्ताव करें सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बच्चों से अलग है। अरे मैं ये सब समझती हूँ, लेकिन दुख की बात ये है कि आजकल के बच्चे वैसा नहीं सोचते जैसा हम सोचते हैं कैरल। यहाँ क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ मिस कैरल। वो ठीक है क्रिस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें रुलाओगे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ उन्हें अपना पालतू जानवर दिखा रहा था। क्या हम बच्चों को उनके पालतू जानवर स्कूल में लाने की अनुमति नहीं देते? और नहीं मिस कैरल, मैं उन्हें अपने घर से नहीं लेकर आया, वो तो मुझे आज ही स्कूल में दिखाई दिए। क्या मतलब कि तुम्हें स्कूल में दिखाई दिए? हे, यहाँ वापस आओ। नहीं रुको, वो बस कीड़े हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या तुम ठीक हो कैरल? हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम पहले इन बच्चों का ध्यान रखोगे? हाँ क्यों नहीं। Well, मैं जानती हूँ, कल उसने उन दो लड़कियों को रुलाया, लेकिन अब दिन भर उसके दोस्त बन रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो बड़ा होकर इन्फ्लुएंसर बनेगा? By the way, आज मैंने तुम्हें कैटरपिलर के बारे में कमरे में पढ़ाते हुए सुना। हाँ, वो हेडमास्टर ने कहा कि कॉलिन बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आ पाएगा। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है, इस हफ्ते कई टीचर्स बीमार हुई हैं, चक्कर क्या है? मैं जानती हूँ, है ना, ऐसा लगता है एक और पैंडेमिक आ रहा है। प्लीज, अब और पैंडेमिक नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में अब बहुत सारे पैंडेमिक देख लिए हैं। तुम जानती हो, जब मैंने इतने सारे टीचर्स की छुट्टियों के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि हेडमास्टर कहीं स्कूल ही ना बंद कर दे। हाँ, जब बात बच्चों की आती है तो सबसे पहले वो अपनी सुरक्षा की फिक्र करते हैं, लेकिन उसने मुझे बताया कि वो उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ टीचर्स छुट्टी पर हैं। वेल, हमें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। खैर, तुम इन बच्चों का ध्यान रखना, तब तक मैं दूसरी क्लास में पढ़ा कर आती हूँ, ओके? ठीक है, बाद में मिलते हैं। अजीब बात है, सब लोग कहाँ गए? गुड मॉर्निंग मिस कैरल। क्रिस, ओ शुक्र है भगवान का, मुझे लगा कि आज कोई स्कूल नहीं आया। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं अभी को ढूंढ रहा था मिस कैरल, हम सब आपका क्लासरूम में इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप नहीं आए इसलिए हमें लगा कि शायद आप दूसरी क्लास में पढ़ा रही होंगी। ओह, मुझे माफ करना क्रिस, लेकिन जब मैं क्लासरूम में गई तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा, तुम भी नहीं दिखे थे। अब सब कहाँ हैं? चिंता मत कीजिए मिस कैरल, सभी बच्चे स्कूल आए हैं, बल्कि हम सब तो आप ही का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्या मतलब? हाँ, हमारे साथ जुड़ जाइए मिस कैरल, सब साथ में खेलेंगे। चुप रहना, किसी को नहीं पता हम यहाँ हैं। एली, शुक्र है कि तुम ठीक हो, इन सबको क्या हुआ है, आखिर कहाँ है सब? सभी लोगों को बच्चों ने बेसमेंट में बंद कर दिया है, मैं उन्हें अकेले नहीं बचा सकती इसलिए मैं यहाँ आकर छुप गई थी। हे भगवान, हम पुलिस को फोन करते हैं। नहीं, पहले हमें उन्हें बचाना होगा।
ये सब उस नए बच्चे क्रिस की वजह से हुआ है, उसने सब किया है। क्या? लेकिन कैसे? मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि वो अफवाह सच्ची थी। काला जादू? ओह गॉड, फिर तो हमें जल्दी से कोई कदम उठाना होगा। आखिर ये सब क्या है? आपका स्वागत है मिस कैरल, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। एली, ये सब क्या है? उन पर इल्जाम मत लगाइए मिस कैरल, वो तो बस मेरी आंखें का पालन कर रही है। क्या मतलब? कहां है सब भी बच्चे? आखिर तुमने उनके साथ क्या किया? आराम से मिस कैरल, वो सब ठीक है, और मैंने तो बस वही किया जो आपने मुझसे कहा था, दोस्त बनाना। अब चारों तरफ देखिए मैंने कितने दोस्त बना लिए। और तो और, क्या आप जानते हैं कि इनकी भी वही हॉबी है जो मेरी है? मेरी दिलचस्पी ड्राइंग में कभी नहीं थी, लेकिन उन सिंबल्स में थी। वो मेरी असल बेहॉबी है। बेवकूफ बदतमीज लड़के, रुको, क्या कर रहे हो तुम? मैंने अपने मॉम डैड की बलि चढ़ा दी और स्कूल में काम कर रहे हर बड़े व्यक्ति की भी, लेकिन फिर भी उतना काफी नहीं रहा। लेकिन अब जाकर मुझे समझ आया कि कितने लोगों की बलि चढ़ी है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसकी बलि दी गई उससे पड़ता है। आप मिस कैरल, आप वो सही शख्स हैं जिससे भगवान के चरणों में समर्पित किया जा सकता है। मुझे अपने काम से बहुत प्यार था, मेरे बच्चे मुझे बहुत पसंद करते थे और उन्हें मेरी जरूरत है इसका एहसास दिलाते थे। बदले में मैं भी उन्हें बहुत प्यार देती थी, और उसके बावजूद मैं उन्हें बचा नहीं पाई। वो सोमवार का दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, और ये बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ। कई बच्चे वापस आकर बहुत खुश थे क्योंकि अब वो अपने दोस्तों के साथ खेल सकते थे। मैं भी बहुत खुश थी, मुझे अपनी नौकरी की हर चीज पसंद थी। मैंने अपने सुबह के काम करने शुरू किए, जैसे कि नाश्ते के लिए टेबल लगाना, और तभी मुझे एहसास हुआ कोई मुझे देख रहा था। मिस एमी, क्या आप ठीक हैं? ओ हाँ बिल्कुल केटी। जाहिर है वो क्लास में हमेशा लेट आने वालों में से एक थी। केटी, उसकी मॉम सड़क के उस पार काम करती थी, किसी वजह से वो दोनों क्लास में हमेशा सबसे ज्यादा लेट आने वालों में से थे। काश मैंने उस दिन केटी को घर वापस जाने के लिए बोल दिया होता, उसका लेट आना एक अच्छा बहाना साबित हो सकता था। उस प्यारी बच्ची को मैंने कस कर अपने गले से लगा लिया। वो बाकी बच्चों से थोड़ा पीछे थी, उसकी उम्र के बच्चों से थोड़ी ज्यादा कमजोर, लेकिन उसका दिमाग सूरज की किरणों जैसा तेज था। यहाँ तक कि थॉमस, जिसे बच्चे पसंद नहीं थे, उसे भी वो पसंद थी। मुझे लगभग यकीन था कि वो उससे कुछ ज्यादा ही पसंद करता था, लेकिन उस बूढ़े आदमी को बच्ची की तरफ देखकर गुस्से होने के बजाय मुस्कुराते हुए देखना ही मेरे लिए जीत थी। बच्चों को आए हुए एक घंटे से ज्यादा हो गया था। मैं काफी खुश थी कि आज मैं बच्चों को गार्डन में आए हुए नए खिलौने दिखाऊंगी, इसलिए मैं उन्हें थोड़ा जल्दी बाहर ले जाना चाहती थी। अभी भी मुझे कुछ तो अजीब महसूस हो रहा था। तो ठीक है बच्चों, अपने अपने जोड़े बना लो प्लीज, और तुम जानते हो उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे आराम से हॉल में सबको। जैसे ही मैंने खाली जगह देखी, मैंने अपनी बात बीच में ही रोक दी। उस जगह पर एक बच्चे को होना चाहिए था। मैंने जो भी कहा उसे भूलकर मैं 10 मुस्कुराते हुए चेहरे गिनने लगी। एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरी दिल की धड़कनें जैसे रुक गई और मुझे सांस आना बंद हो गई। केटी कहाँ गई? मुझे याद था कि वो 5 मिनट पहले बाथरूम गई थी, लेकिन मैंने उसे फौरन वापस आकर प्लेटो के साथ छेड़खानी करते हुए देखा था, तो फिर वो बाकी बच्चों के साथ कैसे नहीं थी? केटी, केटी, तुम कहाँ हो? मैं ऐसे कैसे बच्ची को खो सकती हूँ? डर के मारे मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। केटी, ये छुमा छुपाई खेलने का वक्त नहीं है, और ये बात तुम जानती हो, है ना? जाहिर सी बात है कि बच्चे भी अब केटी के लिए चिंता करने लगे थे। मैंने अपने फोन से इमरजेंसी नंबर मिला दिया, मुझे मदद की जरूरत थी। ऐसा पहले भी हो चुका है और सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि इस बार बात कुछ और है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरी स्कर्ट खींची है। मिस एमिली, मैंने मिस्टर थॉमस को केटी से कुछ देर पहले बात करते हुए देखा, शायद वो उनके साथ हो। प्यारा टोबी एक शांत बच्चा था, लेकिन वो हर चीज पर नजर रखता था, इसलिए मैं उसकी बातों पर विश्वास कर सकती थी। लेकिन फिर भी थॉमस को इस तरह बच्चे को क्लास से ले जाने की अनुमति नहीं थी, और सिर्फ वही नहीं बल्कि स्कूल का कोई भी स्टाफ किसी भी बच्चे को मेरी अनुमति के बिना कहीं नहीं ले जा सकता। सुरक्षा जरूरी थी। मिस एमिली, हाय। केटी? केटी वापस आ गई थी। वो मेरे सामने दरवाजे पर खड़ी थी, वो आंसुओं से भरी हुई आंखों से नीचे देख रही थी और हाथ में लिए स्टफ टॉय को सहला रही थी। बेचारी बच्चे को लगा होगा कि वो मुसीबत में है। वेल, आमतौर पर वो मुसीबत में आ भी सकती थी, लेकिन थॉमस उसके पीछे खड़ा था। उसने अजीब सा चेहरा बनाया हुआ था, उसकी आंखें तो हमेशा अजीब थी, उनमें एक अलग एहसास भरा हुआ था। थॉमस, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कुछ बच्चे पसंद हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है सच में, लेकिन इनमें से किसी को बिना मेरी जानकारी या अनुमति के अपने साथ ले जाना बिल्कुल सही नहीं है, ओके? शायद मुझे बड़े या हम उम्र के लोगों के साथ व्यवहार करने की उतनी आदत नहीं थी। आखिरकार मैं अपना अधिकतर वक्त बच्चों के साथ या फिर अपने काम के बारे में प्लान करने में ही बता देती थी। तब तक मेरे पास दोस्तों या परिवार के साथ बात करने का, समय बिताने का ज्यादा वक्त नहीं था।
लेकिन फिर भी ये कोई बहाना नहीं है कि जिस वजह से मैं थॉमस से अपनी बात कहने के लिए हिचकिचाऊं। इसलिए मैंने उसे जो कहना था साफ साफ कह दिया। ये बच्ची बाहर घूम रही थी, इसे मैं वापस लेकर आया हूँ। उसने बस इतना ही कहा और कुछ नहीं, और फिर केटी को हल्का सा धक्का देते हुए आगे कर दिया। जब केटी चिल्लाई तो मैंने आखिरकार देख लिया, थॉमस खाली हाथ नहीं था। तुम सभी लोग वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन मैं जानती थी कि वो मजाक नहीं कर रहा। बच्चों, हम एक खेल खेलेंगे जिसका नाम है साइमन सेज, ठीक है? लेकिन बस साइमन की जगह होगा थॉमस सेज, है ना? मैं जानती थी कि कुछ बच्चे समझ चुके थे कि क्या चल रहा है। उन बच्चों में से एक लड़की जिसकी मां पुलिस में नौकरी करती थी, वो धीरे धीरे दीवार की तरफ जाने लगी। उसकी आंखों में डर था। बाकी हालांकि बहुत पीछे थे या फिर बहुत नादान ये समझने के लिए कि क्या हो रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल यही थॉमस सेज, चलो। एक आदमी जिसे मैंने सिर्फ एक चिड़चिड़े बुड्ढे के रूप में देखा था, अचानक एक खूंखार जानवर का रूप ले चुका था। उसने गुस्से में केटी को मेरी तरफ धक्का दे दिया। केटी अपनी छोटी छोटी बाहों से मुझे लिपट कर सिसकने लगी। थॉमस ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर अंदर आकर बैठ गया। थॉमस सेज, कोई भी बच्चा चूं तक की आवाज नहीं करेगा। जब उसने ऐसा कहा तो उसकी आवाज चंचल थी, लेकिन उसके पीछे की असलियत सिर्फ मैं जानती थी। बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए मैंने पीछे से उन्हें चुप रहने का इशारा किया। मुझे सब कुछ स्लो मोशन में होता दिख रहा था। लेकिन क्यों? वो सवाल ल्यूकस ने पूछा था। सभी बच्चों में से एक ऐसा बच्चा जिसे डायरेक्शन फॉलो करने में दिक्कत होती थी। वो घबराया हुआ था और उस बच्चे की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा एक भी शब्द मुंह से नहीं निकालना। थॉमस के चिल्लाने से मेरी रूह कांप गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे क्या चाहिए। मैंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने सोच लिया कि अगर उसने बच्चों के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसका पूरा सामना करूं। तुम? मैं? वो तिरछी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैं डर के घबरा रही थी और सोचने लगी कि इसे चाहिए क्या। थॉमस से इस कमरे से बाहर निकलो। क्या? मैं अपनी बात दोहराऊंगा नहीं, कमरे से बाहर जाओ, वरना तुम इसके बाद खुद से बाहर जाने लायक नहीं रहोगी। मैंने वही किया जो उसने कहा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं किसी तरह अपने पैरों को कमरे से बाहर ले जाने के लिए मना चुकी थी। मैंने आज से पहले कभी इतना डरा हुआ महसूस नहीं किया। काश मैंने वहां रुकने की हिम्मत कर ही ली होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लुकास, नहीं! मैं वापस अंदर जाने के लिए बेताब। बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे और मेरा दिल छूट गया, लेकिन मेरे पास कोई भी और रास्ता नहीं था। मुझे उन्हें अकेला छोड़ने का बहुत पछतावा है। मुझे लगा था कि मैं सही कर रही थी, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी जान बचा रही थी। अब मैं बस इतनी प्रार्थना कर सकती थी कि ऐसा दोबारा कभी किसी और के साथ ना हो। मेरी एक्स वाइफ कई वर्षों तक एक स्कूल टीचर थी, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर उसने ये पेशा क्यों चुना। हम दोनों को कभी बच्चे नहीं हुए, जिस बात से हमारे परिवार को बहुत निराशा हुई, लेकिन मैं इस चीज का आभारी हूँ। उसे अक्सर अपने बच्चों से परेशानी रहती थी। काम से घर आकर इस बात की रट लगाना कि आज उन्होंने किस तरह उसे परेशान किया, अब रोज की बात हो गई थी। और हर दो साल में कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता था जिस वजह से उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता और भी ज्यादा छोटी क्लास दी जाती। आखिरकार बात किंडरगार्टन के बच्चों को संभालने तक आ गई थी। जाहिर सी बात है कि वो उस जगह के लिए नहीं थी। वो हमेशा एक प्रोफेसर होने का दावा करती थी और कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने की इच्छा रखती थी, लेकिन उसने कभी इतने मार्क्स नहीं लिए जिससे वो बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम मानी जाए। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि 5 साल के बच्चों से भरी क्लास में पहुंचकर उसे बहुत परेशानी होती होगी। मैं जानता था कि वो अपना गुस्सा मासूम बच्चों पर निकाल रही थी। किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाने के पहले ही साल में उसे बच्चों के पेरेंट्स से अलग अलग तरह की शिकायतें मिली कि वो बच्चों को अनुशासन सिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। मैंने पूरी बात के बारे में विस्तार से सुना, लेकिन कहानी में उसकी तरफ का पक्ष भी उसे ठीक नहीं दर्शा रहा था। एक बच्चा अपने ही डेस्क पर सर रखकर सो गया तो उसने उसके मुंह पर डक्ट टेप लगा दी। दूसरे केस में एक बच्ची गलती से मेरी बीवी से जा टकराई जब उसके हाथ में चाय का कप था, जिस वजह से मेरी बीवी के कपड़े खराब हो गए। सजा के तौर पर मेरी बीवी ने उस बच्ची को क्लास के सामने खड़ा करके उस पर बाकी बची हुई चाय गिराई, जबकि चाय अभी गर्म भी थी। वो हमेशा यही उम्मीद करती थी कि मैं उसी की साइड लूं, और मैं उसके लिए एक अच्छा पति साबित होना चाहता था, इसलिए मैं हमेशा उसका साथ देता था, जबकि पिछले स्कूल्स ने भी उसे गलत ठहराया था। जब बात किंडरगार्टन के बच्चों की आई तो मुझे उसे सच कहना पड़ा। मैंने उसे कहा कि वो बहुत ज्यादा आगे ले जा रही है, वो सख्त होने की बजाय बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। जाहिर सी बात है कि वो ये जानकर गुस्सा हो गई, और हाँ, वो बहुत ही बुरी आदत साबित हो सकती है। मेरे मॉम डैड ने मुझे किसी औरत पर हाथ उठाने जैसी परवरिश नहीं दी है,
लेकिन शायद उसके परिवार ने उसे आदमियों पर हाथ उठाने की शिक्षा जरूर दी होगी, क्योंकि जब भी वो मुझसे परेशान होती थी वो फौरन मुझ पर हमला कर देती थी और अक्सर मुझे अपने नाखूनों से खरोंचती। एक ऐसी चीज जिसके बारे में उसके बच्चे भी जानते थे। कई बार तो उसके हाथ में जो भी आता वो मेरी तरफ फेंक देती, यहाँ तक कि हमारी एनिवर्सरी पर मेरी तरफ से दिए गए महंगे बर्तन भी। बहुत से अवसरों पर तो उसने मुझे चाकू से मार डालने की धमकी तक दी हुई थी। हर बार जब भी ऐसा होता था तो मैं खुद से बस दो ही सवाल करता था। पहला, मैं आखिर इस औरत के साथ कैसे फंस गया? दूसरा और सबसे जरूरी, आखिर ये बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे सक्षम हो सकती है? अफसोस की बात यह है कि कभी कभी लड़ाई की गर्मा गर्मी में मैं उसे ऐसी बातें कह देता था जिससे चीजें और ज्यादा खराब ही होती थी। 2017 में मैंने उसे छोड़ देने की धमकी दी। ये पहली बार था कि मैंने उसे तलाक देने की धमकी दी थी, जबकि वो मुझे इस तरह की धमकियां हजारों बार दे चुकी थी। अगली सुबह बहुत ही अजीब थी। वो पहले से कई ज्यादा शांत थी और पिछली रात हमारी इतनी बुरी लड़ाई के बावजूद उसने मेरे लिए चाय और नाश्ता बनाया। मैंने नोट किया कि चाय पहले से कई ज्यादा कड़वी थी और हालांकि मैं उसे एक महंगे और साफ बर्तन में पी रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे किसी जंक खाए हुए बर्तन में पिया हो। मेरी बीवी अजीब सी शक्लें बनाते हुए मुझे देख रही थी और मैं जानता था कि अगर मैंने कोई शिकायत की तो वो बहुत चिल्लाएगी। एक अच्छे पति की तरह मैंने उस कड़वे घूंट को पी लिया और अपना नाश्ता खत्म करने के बाद टेबल से उठकर काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही मिनट के अंदर अंदर मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मैं उल्टी करने लगा। मेरी बीवी ने बाथरूम के दरवाजे को खटखटाया और मुझे एक बार को लगा कि वो मेरी मदद करने आई है, लेकिन जाहिर है कि ऐसा नहीं था। वो बस मुझे ये बताना चाह रही थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। अगली बार अगर तुमने मुझे छोड़ने की बात की तो मैं डोज बढ़ा दूंगी। उसने मेरे ऊपर ये बॉम्ब फोड़ा और काम के लिए निकल गई। उसने मुझे दिए गए जहर को खुद से झेलने के लिए अकेला छोड़ दिया। ये उसे सिर्फ धमकी देने की सजा थी। और तभी से मैं उस पागल औरत से डर कर जीने लगा। मैं हर वो कोशिश करने लगा जिससे मैं उस औरत से दूर रहूं और मुझे घर पर कम से कम वक्त बिताना पड़े। मैंने उससे देर तक काम के लिए ऑफिस रुकने का झूठ बोलना शुरू कर दिया ताकि मैं रात को बाहर जा सकूं और उस औरत से कुछ घंटे दूर रह सकूं। बदकिस्मती से इससे चीजें और खराब ही हुई। अगले 2 सालों में जैसे जैसे हम दूर होते गए मैंने उसके बारे में जो देखा वो धीरे धीरे और नियंत्रण से बाहर होता गया। और बच्चों के पेरेंट्स उसके खिलाफ जो शिकायतें ला रहे थे उससे पता चलता था कि वो उन छोटे बच्चों के साथ लगातार गलत कर रही थी। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब उसे स्कूल बोर्ड की तरफ से एक आखिरी नोटिस आ गया। साल खत्म होते ही उसे निकाल दिया जाएगा। ये उसके पढ़ाने के करियर का आखिरी साल होगा। मैंने उसे ये समझाने की कोशिश की कि ये बहुत अच्छी बात है, अब वो ऐसा कुछ कर पाएगी जो वो हमेशा से करना चाहती थी। लेकिन उसके दिमाग में ये सभी चीजों का अंत था। वो जानती थी कि उसे कभी और कोई नौकरी नहीं मिलेगी और उसने हमेशा से कहा था कि वो कभी भी एक हाउसवाइफ नहीं बनेगी। नोटिस मिलने के एक हफ्ते बाद उसने मुझे फोन करके अपने स्कूल बुलाया। वो गड़गड़ाने लगी कि मैं फौरन उसे स्कूल में आकर मिलूं। मैंने बहुत मना किया कि मैं बिजी हूं और ऑफिस छोड़कर नहीं आ सकता, लेकिन उसने मुझे तलाक देने की धमकी दी और मुझे वहां बुलाया। मैं लंच ब्रेक में ऑफिस से निकल गया इस उम्मीद में कि शायद मैं उससे मिलकर वापस काम पर आ पाऊंगा, लेकिन जिस वजह से उसने मुझे वहां बुलाया था उसे जानने के बाद मैं हक्का बक्का रह गया। जब मैं उसकी क्लास में पहुंचा तो बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में थे। पूरी क्लास उलट पुलट हो चुकी थी। वो अपना पेट पकड़कर रो रहे थे, उल्टियां कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, मदद मांग रहे थे। वो एक खौफनाक मंजर था और उन सब के बीच मेरी बीवी खड़ी हुई थी। वो किसी पागल की तरह हंस रही थी। उसे जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? आखिर तुमने इनके साथ क्या किया? क्या तुम्हें देखकर कुछ याद आया? मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत थी, लेकिन मैंने इनकी डोज बढ़ा दी। जबकि मैं बहुत ही बड़े सदमे में था, लेकिन मैंने फौरन मदद के लिए फोन मिलाया। उसके बाद मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं। पुलिस आई और मेरी बीवी को गिरफ्तार करके ले गई और एम्बुलेंस भर के लोग आए जो बच्चों को हॉस्पिटल ले गए। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उन बच्चों को भी उसी तरह जहर दे दिया जैसे उसने मुझे दिया था। हालांकि मुकदमे और सजा के बाद किसी भी चीज से इनकार करने का कोई मतलब नहीं था। मेरी बीवी एक पागल औरत थी, या फिर मुझे कहना चाहिए कि मेरी एक्स वाइफ एक पागल औरत थी, क्योंकि उन बच्चों में से एक बच्चा बच नहीं पाया, जिससे ये साफ जाहिर था कि हमारा कानून भी मेरी एक्स वाइफ को चैन से जीने नहीं देगा। 27 मार्च 2019 में 40 साल की एक चाइनीज औरत जिसका नाम वैंग यून था, उसे अपनी किंडरगार्टन की क्लास के सभी बच्चों को नाश्ते में जहर मिलाकर देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक बच्चे की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते 10 महीने बाद मौत हो गई। जो जहर बच्चों को दिया गया था वो था सिल्वर नाइट्राइड, जिसे ज्यादा मात्रा में लेना
खतरे से खाली नहीं होता। यह अपने खून में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है। मुकदमे के दौरान दोषी वैंग यून को घृणित और दुष्ट व्यक्ति करार किया गया। उसके पति ने भी यह खुलासा किया कि आज से 2 साल पहले उसकी बीवी ने उसे भी इसी चीज से जहर देकर मारने की कोशिश की थी, हालांकि वो कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। 2020 में वैंग यून पर लगे सभी इल्जाम साबित हुए और उसे लोकल कोर्ट द्वारा सजाए मौत सुनाई गई। उसकी तस्वीर कभी लोगों के सामने नहीं आई। जुलाई 2023 में चाइनीज अधिकारियों ने उसकी सजा को अंजाम दिया।